सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 4 बेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन्स अंडर 11,000। जहां पर दोस्तों हमने कुछ नए तो कुछ पुराने स्मार्टफोन्स को रखा हुआ है, साथ ही में हमने यहां पर आप सभी के लिए एक 5G स्मार्टफोन भी यहां पर रखा हुआ है। तो अगर आप 5G स्मार्टफोन लेना चाहते थे तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों हम ऐसे ही कोई स्मार्टफोन की वीडियो नहीं बनाते, काफ़ी रिसर्च और एनालाइज करने के बाद आप सभी के लिए वीडियोज़ लेकर के आते हैं। साथ ही में हम इन सभी स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशन और प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बात करते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर बात की है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन्स की, तो हमने यहाँ पर इन सभी स्मार्टफोन्स को रैंक किया हुआ है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं नंबर 4 की। दोस्तों नंबर 4 पर आने वाला स्मार्टफोन एक काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन है। हालांकि जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है ये आपको यहाँ पर थोड़ी सी डाउन देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ये फ़ोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 11। बात की जाए यहाँ पर इस फ़ोन की, तो ये फ़ोन आपको यहाँ पर प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में मिल जाता है। हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना हुआ है और TUV रिनलाइन सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो इस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, 3.5mm का जैक दिया गया है। और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में ये फ़ोन आता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। और यूज़र इंटरफेस की बात की जाए तो दोस्तों ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 11 बेस्ड XOS 10 पर, जहाँ पर दोस्तों अभी भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स होने बाकी हैं। ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको यहाँ पर अभी भी मिल जाते हैं, तो फ़ोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिलती है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से स्मार्टफोन का एक डिसएडवांटेज है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो ये फ़ोन आपको मिल जाएगा 6.7 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED पैनल के साथ में। डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर NEG डिनोरेक्स का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और डायरेक्ट सनलाइट में फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर 750 nits की ब्राइटनेस भी मिल जाती है। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। गेमिंग के लिए भी आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। कॉन्टेंट वगैरह वॉच करने के लिए ये डिस्प्ले आपको A+ मिलती है। बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमराज के बारे में। तो इस फ़ोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर आपको मिल जाता है 50MP का मेन कैमरा, 2 का डेप्थ और 2MP का आपको यहां पर एक AI लेंस मिलता है, और सामने की तरफ आपको यहां पर 16MP का एक सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। तो कैमरा सेटअप आपको यहां पर फ़ोन का ठीक ठाक दिया गया है। और कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहां पर इसे अबो एवरेज कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर उतनी बेटर क्वालिटी की इमेजेस नहीं मिलती। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मैक्सिमम आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से 30fps तक, और बैक कैमरा से आपको यहां पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है 30fps तक। तो इस स्मार्टफोन का ये एक एडवांटेज है कि आपको यहां पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। रही बात दोस्तों यहां पर फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो फ़ोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek Helio G88 का चिपसेट। जी हां दोस्तों, ये यहां पर MediaTek Helio G85 का सक्सेसर है, जो कि आपको यहां पर MediaTek Helio G85 से स्लाइटली बेटर मिल जाता है, जहां पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। डे टू डे टास्क आप यहां पर काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग में भी आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। रही बात गेमिंग की, तो लगभग आपको यहां पर 2,16,000 के आसपास के अंततः स्कोर मिलते हैं। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस आपको यहां पर स्लाइटली बेटर मिलने वाली है अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे रियलमी के Narzo 50A से। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज फ़ोन में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इस फ़ोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप काफ़ी आराम से मिल जाता है। और अच्छी बात है कि ये फ़ोन यहाँ पर 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट दी गई है। तो फ़ोन का बैटरी मॉड्यूल इस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है। बाकी रही फ़ोन के प्रोज की बात, तो दोस्तों फ़ोन के अंदर आपको डिज़ाइन, डिस्प्ले और साथ ही में बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी मिलती है, जहाँ पर आपको 33W की चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। और साथ ही में फ़ोन की परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो वहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन अगर कॉन्स की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं मिलती है, और फ़ोन के कैमराज में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
तो देखा जाए दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद है और आप स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्मार्टफोन की प्राइसिंग है 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए 10,499 रुपये। साथ ही में आपको अगर 6 और 128 वाला वेरिएंट पसंद है तो आप इस वेरिएंट के साथ में भी जा सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते तो ये स्मार्टफोन आपको लगभग 11,500 रुपये की प्राइस पर मिल जाएगा, लेकिन बिना बैंक ऑफर्स के आपको देने होंगे यहाँ पर 12,499 रुपये। तो दोस्तों बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के तीसरे स्मार्टफोन की। दोस्तों इस स्मार्टफोन की तीन खूबियां हैं, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, कैमरास भी अच्छे मिल जाते हैं, और हाँ दोस्तों फोन की जो बैटरी लाइफ है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ये स्मार्टफोन है यहाँ पर रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी का नार्जो 50A। चलिए फिर बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन आता है प्लास्टिक बिल्ड पर, लेकिन दोस्तों TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। डिजाइन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कैसा मिल रहा है, आपको पसंद आया या फिर नहीं वो मुझे आप कॉमेंट में बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में, और आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक मिल जाता है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं, और फोन के अंदर आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 बेस्ड रियलमी के UI 2.0 पर, जहाँ पर आपको हल्के पुल्के ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह मिलते हैं जिसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो करते हैं फोन के डिस्प्ले से। तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंचेस की HD+ रेजोल्यूशन के साथ में IPS LCD पैनल, और आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 570 नीट्स की आपको ब्राइटनेस दी गई है, तो डायरेक्ट सनलाइट में फोन इस्तेमाल करने में भी आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए तो बना है, लेकिन आपको यहाँ पर मैक्सिमम 60Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है और 120Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले ठीक मिलती है। सो अब बात कर लेते हैं फोन के बैक साइड के बारे में। तो दोस्तों फोन के बैक में लगे हुए हैं यहाँ पर 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा मिल जाता है 50MP का, 2 का मैक्रो और 2MP का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो कि बोके मोड लेने में आपकी काफी हेल्प करता है। सामने की तरफ आपको मिल जाता है 8MP का सेंसर। तो देखा जाए तो कैमरा सेटअप उतना अच्छा तो नहीं है, डिसेंट टाइप का आपको यहाँ पर सेटअप मिलता है, लेकिन मेन कैमरा से आपको यहाँ पर आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर इसका मेन कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और दोस्तों अगर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps पर। साथ ही में बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 60fps तक का सपोर्ट भी मिल जाता है। और इस फोन को चलाने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का हीलियो G85 का चिपसेट, और ये चिपसेट बना है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। हालांकि आपको यहाँ पर हल्की फुल्की हीटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन आप इसे यहाँ पर ओवरहीटिंग नहीं कह सकते हैं। सो परफॉर्मेंस दोस्तों फोन की काफी अच्छी रहती है, साथ में आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस के लिए परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी। जहां तक बात है गेमिंग की, तो लगभग आपको यहाँ पर 210,000 के आसपास के AnTuTu स्कोर मिल जाते हैं, इस प्राइस के हिसाब से एक अच्छे स्कोर है। तो आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस और गेमिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करें तो आप यहाँ पर 40fps तक की स्मूथ सेटिंग पर PUBG जैसे गेम्स को खेल सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000mAh का बैटरा। अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाता है। और फोन यहाँ पर 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो फोन का बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है। बाकी रही फोन के प्रोस की बात, तो आपको यहाँ पर लंबी बैटरी बैकअप, डिसेंट परफॉर्मेंस और डे लाइट फोटोग्राफी काफी अच्छे मिलते हैं। कॉन्स की बात कर ले तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर वाइड L1 का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन कंटेंट वगैरह स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। और फोन में एटलीस्ट यार फुल HD+ वाली डिस्प्ले होती तो और ज्यादा अच्छा होता यार। इस प्राइस पर जो भी स्मार्टफोन है वहाँ पर हमें लगभग फुल HD+ के साथ में हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है, जो कि स्मार्टफोन का एक और कौन है। सो देखा जाए तो अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद आए तो आप स्मार्टफोन के साथ में डेफिनेटली जा सकते हैं। इस स्मार्टफोन का 4GB रैम और 64GB वाला जो वेरियंट है वो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। सो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलता है 11,499। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के सेकेंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है आपको इस बजट के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो गाइस ये स्मार्टफोन है Redmi की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Redmi 10। तो चलिए जानते हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ दिया गया है।
पहले बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, साथ ही में TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आएगी। रही बात डिजाइन की दोस्तों, तो डिजाइन अपना अपना टेस्ट होता है, आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको ये डिजाइन पसंद आए, हो सकता है कि आपको ये डिजाइन ना भी पसंद आए। और हाँ दोस्तों, ये फोन हल्का फुल्का यहाँ पर पानी भी झेल सकता है, जो कि इस स्मार्टफोन की एक और अच्छी बात है। रही बात फोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो आपको यहाँ पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल स्पीकर्स आपको फोन के अंदर मिल जाते हैं। और हाँ गाइस, ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात फोन के यूजर इंटरफेस की, तो इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 13 पर। तो देखा जाए दोस्तों, तो MIUI 13 स्टेबल हो चुका है, बग फ्री हो चुका है, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आती। सो दोस्तों, ये तो वो स्मार्टफोन के कुछ बेसिक फीचर्स, अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की बड़ी सी HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको यहाँ पर HD+ की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही में आपको यहाँ पर 500 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। और साथ ही में दोस्तों, फोन के अंदर आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन कॉन्टेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, साथ ही में 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है, तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले आपको यहाँ पर कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए डिसेंट मिलती है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में। फोन के बैक में लगे हुए हैं 2 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 50MP का, 2MP का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात कर ले, तो सामने आपको दिया गया है 5MP का सेल्फी स्नैपर। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो कैमरा सेटअप है वो आपको यहाँ पर एवरेज मिलता है, और कैमरा यहाँ पर एवरेज परफॉर्म भी करता है, तो कैमरा से आप यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से 30fps तक। इन सभी को चलाने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये चिपसेट 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें बहुत कम आती हैं, साथ ही में बैटरी बैकअप भी आपको फोन का काफी अच्छा मिल जाता है। रही बात दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे टास्क आप यहाँ पर काफी इजिली कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग की बात कर लें, तो लगभग आपको यहाँ पर 2.5 से 3.25 लाख के आसपास के स्कोर मिलते हैं, जो कि इस बजट के हिसाब से बहुत अच्छे स्कोर हैं, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रही बात गेमिंग की, तो वो भी आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। फोन की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए फोन के अंदर UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जिससे आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिलते हैं और रीड राइट की स्पीड भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000mAh का बैटरा, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है। साथ ही में आपको यहाँ पर 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट मिल जाती है, तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोस की, तो दोस्तों इस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन का जो बैटरी मॉड्यूल है ये भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। लेकिन अगर कॉन्स की बात की जाए, तो बड़ी डिस्प्ले तो दी गई है लेकिन HD+ के साथ में आती है, साथ ही में दोस्तों फोन का जो कैमरा है वो भी एवरेज टाइप का है। और हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 होना चाहिए था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है। सो दोस्तों, ये थे स्मार्टफोन के कुछ कॉन्स, लेकिन अगर आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन लेना हो तो आप इस स्मार्टफोन को एक बार जरूर देख सकते हैं। 4 और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे यहाँ पर 11,000 रुपये, वहीं पर 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 12,999 रुपये। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में, और जैसा कि मैंने आपसे बोला था ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन है यहाँ पर पोको का M3 Pro 5G। पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों पोको के स्मार्टफोन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव कलर्स वगैरह के साथ में आते हैं, तो फोन का जो डिजाइन है वो तो आपको डेफिनेटली काफी अच्छा मिलता है, और ये स्मार्टफोन भी TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी भी आपको यहाँ पर फोन की काफी अच्छी मिल जाती है। वहीं पर अगर फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें, तो फोन में आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक मिल जाएगा, और ये फोन आता है हाइब्रिड कार्ड स्लॉट के साथ में, तो आइदर आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और जहां तक बात है स्पीकर्स की, तो आपको यहाँ पर सिंगल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है, फिर भी आपको यहाँ पर ऑडियो डिसेंट मिल जाती है।
लेकिन गाइज ये थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है, तो इस स्मार्टफोन के अंदर अभी भी आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस्ड MIUI 12 का ही सपोर्ट मिलता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर पोको का जो UI है वहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स काफी कम मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस फोन का काफी अच्छा मिल जाता है। तो फाइनली यार आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल के साथ में, जहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है और 500 नीट्स की आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस दी गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको आउटडोर के लिए काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है और गेमिंग वगैरह के लिए आपको 90 Hz की रिफ्रेश रेट और 180 Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। इस फोन की डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। और जैसा कि गाइज ये एक 5G स्मार्टफोन है, तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 700 का एक 5G चिपसेट, जो कि आता है 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर। तो पिछले तीनों स्मार्टफोन से आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है और इस फोन में आपको पिछले तीनों स्मार्टफोन से काफी हद तक कम हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे यूजर्स और मल्टीटास्किंग में तो ये फोन आपके लिए मक्खन जैसा काम करेगा। गेमिंग के लिए बात कर ले दोस्तों, तो आपको यहाँ पर लगभग 3 से 3.25 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे यार तो ये स्कोर काफी अच्छे हैं, तो परफॉर्मेंस आपको फोन की काफी अच्छी मिल जाती है, गेमिंग भी आप यहाँ पर काफी अच्छी कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है, जिससे आपके यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम और रीड और राइट की जो स्पीड है वो भी अच्छी मिल जाती है। और बाकी अगर बात करें यहाँ पर फोन के बैक साइड की, तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। हालांकि दोस्तों ये एक 5G स्मार्टफोन है और काफी पहले लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर आपको कैमरा आउटपुट तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इसे अबो एवरेज कह सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30 FPS तक। और इन सभी को पावर देने के लिए फोन के अंदर लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है तो 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको यहाँ पर आराम से मिल जाता है। साथ ही में फोन यहाँ पर 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो बैटरी मॉडल भी फोन का अच्छा मिल जाता है। बात कर ले फोन के प्रोस की, तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिजाइन, परफॉर्मेंस और 5G रेडी स्मार्टफोन मिल रहा है, जहां पर आपको 7 5G बैंड का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। और हाँ गाइस, अगर हम बात कर ले यहाँ पर फोन के कॉन्स की, तो यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलती है और थोड़ी मोटे ब्लॉट पर ऐप वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा पुराना फोन है, लेकिन आपको यहाँ पर 5G स्मार्टफोन मिल रहा है और वो भी इस बजट में, तो ये काफी अच्छी बात है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये अभी आपको मिल रहा है 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 12,000 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों आप अगर यहाँ पर स्मार्टफोन को बैंक ऑफर्स लगा करके परचेस करते हैं, तो ये फोन आपको अभी के अभी मिल जाएगा 11,000 रुपए की प्राइस पर। और दोस्तों 11,000 रुपए के हिसाब से काफी अच्छा फोन है, अगर आप चाहें तो एक बार इस स्मार्टफोन को भी देख सकते हैं। सो दोस्तों ये थे वो टॉप 4 स्मार्टफोन जो कि आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मिल जाते हैं इस बजट के हिसाब से। सो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।